पथरी पुल पर बना रैप सॉन्ग तेजी से वायरल हो रहा है। बीते एक साल से बंद कल्याण के पथरी पुल पर बना रैप सॉन्ग कब बनेगा पथरी पुल सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। कल्याण पूर्व के टाटा पावर परिसर में रहने वाले रवि सिंह नामक युवक ने ये रैप सॉन्ग बनाया है। रवि ने उसके दोस्त अलेक्जेंडर विनीत सिंह और गुलशन राजभर के साथ मिलकर पथरी पुल पर रैप सॉन्ग बनाया है। इस नौजवान युवक ने रैप सॉन्ग के जरिए सरकार का विरोध किया और रोज रोज ऑफिस जाने वाले लोगों को ट्रैफिक के कारण कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं ये बताने का प्रयास भी किया। रवि सिंह थाने से में नौकरी करता है और सुबह सुबह नौकरी पर जाते समय उसे पथरी पुल की ट्रैफिक का किस तरह सामना करना पड़ता है ये अपने अंदाज में बताया है। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कल्याण वासियों ने इस रैप सॉन्ग को काफ़ी पसंद किया। पथरी पुल पर रहने वाले नागरिकों ने रैप सॉन्ग बनाने के लिए रवि सिंह और उसके साथीदारों का पथरी पुल के बीच चौराहे पर सम्मान किया। स्थानिक नागरिक महेंद्र कुंदे, गणेश सोनवड़े, सुधा शाह, विलासगिरी, संगीता शेलार सहित अन्य स्थानिक नागरिकों ने रैप बनाने वाले युवकों का सम्मान किया। हेलो, मैं रवि सिंह हूँ। मैंने ये जो पथरी पुल का बनेगा ये रैप सॉन्ग बनाया है और मेन मेरा इसका एम या और उद्देश्य ये था कि जो पथरी पुल है, रोज मैं अपने घर से, जो टाटा पावर मेरा घर है, तो वहाँ से मैं रोज कल्याण स्टेशन के लिए जॉब पे जाता हूँ थाने में, तो रोज मुझे ट्रैफिक लग जाता है। और जब पहले रास्ता था तो मेरे घर से कल्याण जाने के लिए 10 मिनट लगता था, लेकिन अभी क्या होता है कि 1 घंटे 1.5 घंटे ऐसे लग जाते हैं, इसकी वजह से रोज मुझे ऑफिस में लेट होता है। एंड फाइनली मैं अपना जो बात है ये लोगों तक पहुँचाना चाहता था कि जो पथरी पुल है, अभी वो चुनाव आने वाला है, सब वोट मांगने आ जाते हैं लेकिन पथरी पुल बनाने कोई नहीं आ रहा है क्योंकि ये 1.5 साल से हो रहा है। सम्मान करना ही चाहिए कि आज की पीढ़ी में जो युवा पीढ़ी टिकटॉक पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे गाने अपलोड कर रहे हैं, बाकी चीज़ें बहुत सी चीज़ें अपलोड कर रहे हैं, बहुत से लोग तो पबजी भी खेल रहे हैं। ये युवकों ने इतना अच्छा पूरा कर लिया कि सोशल एक्टिविटीज़ का सही इस्तेमाल इन लोगों ने किया। सोशल मीडिया बनाया गया है कि सोशल एक्टिविटीज़ के लिए, लेकिन सोशल मीडिया का आजकल बहुत गलत इस्तेमाल हो रहा है। इस तरीके का इस्तेमाल हो रहा है कि लड़के लोग कोई जो आत्महत्या कर रहा है खेलने के चक्कर में, कोई मोबाइल के लिए इतना हड़प हो चुका है। और ये हमारा जो मुद्दा था, हम लोग 1.5 साल से इसके लिए लड़ रहे हैं, कई आंदोलन कर चुके हैं और आंदोलन करना है, क्योंकि उग्र भी आंदोलन हो सकते हैं और हमारे पे केसेस भी हो सकते हैं। लेकिन ये लोगों ने जो जिस तरीके से यंग पीढ़ी को समझना चाहिए वो हिसाब से इन्होंने जो रैप सॉन्ग बनाया, इसके लिए मैं इनका विशेष आभार चाहता हूँ। और ऐसा ही मेरा पूरे कल्याण डोंबिवली के युवक से, यानी कि पूरे थानार हो या पूरे महाराष्ट्र के युवक से यही अपेक्षा है कि आप ऐसा ही सोशल एक्टिविटीज़ काम करो जिससे लोग आपको आपकी पहचान बनी रहे। 1 साल से पथरी पुल ये बंद है और अभी MSRDC ने एक बोर्ड लगाया था, फरवरी तक का टाइम दिया है, ट्रैफिक की समस्या सब सामने है सबके, क्या कहना चाहेंगे आप? हम लोग ने MSRDC के जो अभियंता है अविनाश गोड़े साहब, उनको यहाँ पे बुलाया था, उनको यहाँ का माहौल पूरा बताया है कि खड्डे की वजह से क्या तकलीफ हो रहा है, पत्थरों की वजह से क्या तकलीफ हो रहा है। उनसे हमने लेखे में मांगा है, हमने हमको बोला था कि 2020 तक पथरी पुल हो जाएगा, लेकिन डेट नहीं डाला है, 2020 फेब्रुवरी डाला है, शायद फेब्रुवरी 29 तारीख भी हो सकता है, 30 तारीख भी हो सकता है। ये राजकारणी लोग, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। फिर बाद में ऐसा ना बोले कि हमने डेट नहीं दिया है, फिर हमने उनको पूछा तो बोले 15 मार्च तक फाइनल हो जाएगा। हमने उनसे लेखी मांगा, अगर लेखी वो नहीं देते हैं तो उनसे एक मांग की कि आप पथरी पुल से लेकर शिक्षक नगर टाटा तक और कछोरे गाँव तक जो यहाँ के घर है, जो भी मिनिमम वेजेस उनको दो, क्योंकि अब रिक्शा वाले हैं, चाय वाला, दूध वाला, वड़ा पाव वाला, अगर रोज का नुकसान हो रहा है, रिक्शा वाला 200 रुपये लेके जा रहा है तो हफ्ता भरेगा क्या और खाएगा क्या? इससे गुनहगारी भी बढ़ सकती है, हमारे यंग जनरेशन ऐसे ही बैठे पड़े हैं, उनका काम धंधा बंद पड़ा है। हमने वही मांग की है, अगर फ्री होता है ये तो आचार संहिता लगेगा, उसके बाद में 400 से 500 लोग वापस जाएंगे और खड़क मोर्चा निकलेगा। आप उनसे यही मांग करेंगे कि पथरी पुल भले 10 साल में बने, CEN News, देश प्रदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।